नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। ब्रेटर की शुरुआत करते हैं, उससे पहले नजर सुर्खियों पर। देवभूमि में पड़ने लगी कड़ाके की ठंड, बद्रीनाथ में जमने लगे झरने और नाले, बर्फ में तब्दील हुई ओस। उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में राज्य को 3 श्रेणी में मिले अवार्ड, केदारनाथ बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन घोषित। उत्तराखंड में चुनाव से पहले चुनावी हलचल तेज, आम आदमी पार्टी ने किया कांग्रेस और बीजेपी पर वार, कोठियाल ने कहा राज्य विरोधी दल है कांग्रेस और बीजेपी। चलिए रुक करते हैं तमाम खबरों की ओर। उत्तराखंड आपको लिए चलते हैं। उत्तराखंड ने बेस्ट वर्ल्ड लाइफ, बेस्ट एडवेंचर और बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के अवार्ड मिले हैं। पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 3 श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित अवार्ड हासिल किए। इनमें प्रदेश ने बेस्ट वर्ल्ड लाइफ, बेस्ट एडवेंचर और बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के अवार्ड केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को पुरस्कार दिए हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र में राज्य को 3 श्रेणी में अवार्ड मिले हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को पुरस्कृत किया है। केदारनाथ को बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन घोषित किया गया। इस दौरान आप तस्वीरें देख रहे हैं, उत्तराखंड राज्य को 3 श्रेणी में ये अवार्ड मिले हैं। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को पुरस्कार दिया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री की तरफ से उन्हें पुरस्कृत किया गया है। आपको बता दें, उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सीधा रुख करेंगे धीरेन्द्र, बड़ी जानकारी और अच्छी खबर है। उत्तराखंड को 3 श्रेणी में अवार्ड मिले हैं, क्या जानकारी आपके पास, किस तरीके से बयां करना चाहेंगे? बिल्कुल सोनिका, देखिए उत्तराखंड के लिहाज से, उनके पर्यटन के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि है। उत्तराखंड को 3 श्रेणियों में पहला पुरस्कार मिला है बेस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे, बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के तौर पे केदारनाथ, और बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन के तौर पे जिम कार्बेट और ऋषिकेश को भी एक श्रेणी में पुरस्कार मिला है। तो इस तरह से देखें, ये पुरस्कार निश्चित रूप से उत्तराखंड में पर्यटन को और आकर्षक बनाएगा और पर्यटकों को आकर्षित करेगा, और उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा, ऐसी उम्मीद है। और इसको मिलने से न केवल सरकार बल्कि जो पर्यटन क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो लोग भी काफी खुश हैं, और उत्तराखंड की इस उपलब्धि को अपने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से देश दुनिया में उत्तराखंड को लेकर के आकर्षण बढ़ा है, और किस तरह से उत्तराखंड को लेकर के जो संभावनाएं हैं वो कितनी अधिक है, और अगर सरकार थोड़ा सा प्रयास करे तो किस तरह से उसको बढ़ाया जा सकता है, उत्तराखंड की बेहतरी के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। सोनिका, तो एक तरह से कह सकते हैं कि यह एक बड़ी उपलब्धि, बड़ा अचीवमेंट कहा जा सकता है उत्तराखंड के लिए, और आने वाले समय में इसको बरकरार रखना भी एक चुनौती होगी उत्तराखंड के लिए, और विभिन्न और भी अन्य विभिन्न क्षेत्रों में इसको बरकरार रखना होगा, इस तरह के पुरस्कार को हासिल करना होगा, जिससे उत्तराखंड के आर्थिकी में परिवर्तन आए ही आए, लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आए, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल धीरेन्द्र, आपने अहम जानकारी दी इस दौरान कि पर्यटन के क्षेत्र में अवार्ड मिलना अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो गया। बिल्कुल सोनिका, मैं बता दूं उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश के तौर पर जाना जाता है, यहाँ की आर्थिकी का जो मुख्य स्रोत है, जो सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम है, वह आती है पर्यटन के क्षेत्र से। तो निश्चित रूप से पर्यटन के क्षेत्र में कोई भी उपलब्धि यहाँ के जनजीवन को भी प्रभावित करती है, यहाँ की आर्थिकी को प्रभावित करती है, यहाँ के भविष्य को प्रभावित करती है। तो निश्चित रूप से पर्यटन के क्षेत्र में अगर कुछ विकास होता है, कुछ सकारात्मक काम होता है, तो इसका पूरा असर आम आदमी के जनजीवन पे पड़ेगा, राज्य की सेहत पे पड़ेगा। तो उस लिहाज से भी देखें तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, और सरकार को इसे बरकरार रखने की कोशिश करनी होगी। बिल्कुल धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पर्यटन क्षेत्र में उत्तराखंड को अवार्ड मिले हैं, राज्य को 3 श्रेणी में अवार्ड मिले हैं, और जिस तरीके से धीरेन्द्र हमें जानकारी दे रहे थे, अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, आने वाले भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण और एक बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड के लिए। आगे रुख करेंगे, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उत्तराखंड प्रदेश में जल्द ही आएगी खेल नीति आएगी प्रदेश में,
बहुत जल्द ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, खेलों को बढ़ावा देना सरकार का दायित्व है, ये जोशी की तरफ से कहा गया है। दरअसल पहला जोशी की तरफ से कहा गया है कि उत्तराखंड में जल्द ही खेल नीति लाई जाएगी, सरकार खेल खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, खेल नीति को लेकर के उत्तराखंड में सरकार अब बेहद सजग नजर आ रही है और खेलों को बढ़ावा देना सरकार का दायित्व है, जोशी की तरफ से कहा गया है। उत्तराखंड प्रदेश में जल्दी खेल नीति लाई जाएगी, युवाओं को सीधा जोड़ा जाएगा इससे, भविष्य को देखते हुए युवाओं के, जो युवा खेल जगत में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके सपनों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अब जल्दी खेल नीति लाई जाएगी और खेलों को बढ़ावा दे दिया जाएगा, खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की ओर एक कदम बढ़ाया जाएगा उत्तराखंड सरकार की ओर से। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की, उत्तराखंड में जल्द ही खेल नीति लाई जाएगी, सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने पर काम करेगी, इस दिशा की ओर अब कदम उठाए जाएंगे, ये जोशी की तरफ से कहा गया है। धनराज गर्ग मेरे साथ जुड़ गए हैं सीधा संवाददाता, सीधा रुक करेंगे। धनराज, खेल नीति को बढ़ावा दिया जाएगा, युवाओं के लिए नए खिलाड़ियों के लिए कितना अहम हो जाता है? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से प्रहलाद जोशी की तरफ से कहा गया है कि अब जो खेल नीति उत्तराखंड में बनाई जाएगी वो कहीं ना कहीं एक मजबूत खेल नीति उत्तराखंड में बनाई जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा और खेल की ओर युवा अपना प्रोत्साहन दिखाएंगे कि किस तरीके से उत्साह युवाओं का खेल को लेकर है कि उनको आगे बढ़ाने के लिए खेल नीति अब उत्तराखंड में बनाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए सौगात जरूर उत्तराखंड में मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि युवा खिलाड़ी काफी है उत्तराखंड में, लेकिन उनको आगे बढ़ावा नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं दिक्कतें उनको आती है कि वो अपना जो परफॉर्मेंस है वो नहीं दिखा पाते हैं। तो अब एक खेल नीति तैयार की जाएगी जिसमें कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी है उनको एक तरीके से एक मौका मिलेगा कि वो आगे बढ़ सकते हैं और अपना प्रदर्शन दिखा सकते हैं। अधनराज, खेल नीति लाई जाएगी, कब तक लाने का ऐलान किया गया है, 2022 से पहले या 2022 के बाद? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कि 2022 का चुनाव बेहद नजदीक है, लेकिन वही आचार संहिता दिसंबर में लगने वाली है, मात्र एक महीना ही आचार संहिता लगने के बाकी रह गया है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह किया जा रहा है कि जो खेल नीति लाई जाएगी वो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले उस खेल नीति को लाया जाएगा, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर खेल नीति कब तक आती है और कब तक इसका जो मौका है खिलाड़ियों को खेलने का वो कब तक मिल पाएगा। लेकिन ये हकीकत है सोनिका की जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक है, तो कहीं ना कहीं इससे युवाओं को जब बढ़ोतरी मिलेगी तो कहीं ना कहीं इसको बीजेपी को भी एक 2022 के चुनाव में बड़ा मौका मिल सकता है और काफी फायदा बीजेपी को इससे मिल सकता है। खिलाड़ियों के लिए कदम उठाने की इस दिशा में काम किया जाएगा उत्तराखंड सरकार की ओर से, युवाओं की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से युवाओं की बात करें तो युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से अभी हाल ही में उत्तराखंड में बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनको आगे मौका नहीं मिल पाता है, तो कहना चाहिए अगर खेल नीति उत्तराखंड में आती है तो जरूर खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और वो आगे बढ़ने की ओर बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से खिलाड़ी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये खेल नीति की बात की जा रही है, अगर ये चुनाव से पहले आती है तो कहीं ना कहीं मौका जरूर मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से चुनाव नजदीक है तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये चुनावी स्टंट भी बीजेपी का हो सकता है, कि खिलाड़ियों को रुझाने के लिए एक चुनावी स्टंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि अभी जो आचार संहिता लगनी है वो बहुत कम समय बाकी बचा है। आखिर ऐसे में कैसे खेल नीति पास हो पाएगी तो आने वाला वक्त ही बताएगा सोचता। चलिए, बहुत जरूरी हो जाता है धनराज कि सभी तमाम खिलाड़ियों को सरकार का सहयोग मिले ताकि वो अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सके। बहुत शुक्रिया धनराज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुख करते हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से, कहा गया है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करना चाहिए। लगातार बढ़ती महंगाई पर लोगों को आह्वान किया गया है कि सभी कांग्रेस से जुड़े और बीजेपी का अभियान तोड़े और बीजेपी का अभिमान तोड़े। हरीश रावत ने रामनगर में पदयात्रा के दौरान ये बातें कही है। पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। रावत ने कहा कि पदयात्रा का आगाज रामनगर से शुरू हुआ जो प्रदेश के सभी जिलों और नगरों तक जाएगी। तो हरीश रावत की तरफ से बीजेपी को लेकर के एक बार फिर निशाना साधा गया है।
उत्तराखंड चुनाव से पहले जिस तरीके से सियासत तेज होती जा रही है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का आह्वान किया है, लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया गया है हरीश रावत की तरफ से। आपको जानकारी दे दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली है। विशाखा चौधरी मेरे साथ जुड़ गई है संवाददाता। विशाखा, हरीश रावत लगातार बयानबाजी उनकी तरफ से सामने आ रही है, एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि एकजुट हुए और बीजेपी का अभिमान तोड़ा जाए। जी बिल्कुल सोनिका, देखिए हरीश रावत कांग्रेस का वो चेहरा है जाहिर तौर पर जिसके बलबूते में कांग्रेस कहीं ना कहीं एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उत्तराखंड में खड़ी हो सकती है। और जिस तरह से चुनावी कमान जो है वो हरीश रावत ने संभाली है और उसके तहत जो तमाम रणनीति है वो उनके द्वारा अपनाई जा रही है, उनके द्वारा इस पदयात्रा जो है वो निकाली गई रामनगर में और वहां उनके द्वारा कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो एकजुट हों और कांग्रेस में जुड़े हैं और बीजेपी का जो अभिमान है उसको तोड़े। इससे पहले भी उनके द्वारा जो तंज है वो भारतीय जनता पार्टी पर कसा गया है। अभी 2 दिन पहले ही उनका बयान सामने आया था कि उनकी सरकार ने पिछले 4 साल में 5 साल की सरकार में लगभग 23,000 जो नौकरियां हैं वो युवाओं को दी और भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री धामी से उनके द्वारा ठीक तौर पर उनसे दावे कहे गए, उनके द्वारा कहा गया कि सत्ता पक्ष इस बात का हिसाब दे कि पिछले 4 साल में उनके द्वारा कितनी जो नौकरियां हैं वो दी गई हैं और यदि उनसे ज्यादा नौकरियां उनके द्वारा दी गई हैं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। ये तमाम बयानबाजी जो है वो फिलहाल चुनावी माहौल को गरमाने के लिए तमाम पार्टियों के द्वारा की जा रही है। खासतौर पर लगातार हरीश रावत के जो बयान है वो सामने आ रहे हैं, हमला उनके द्वारा सत्ता पक्ष पर भारतीय जनता पार्टी पर किया जा रहा है और अब ये जो नया बयान है वो सामने आया है कि ज्यादा से ज्यादा जो कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, जनता है वो कांग्रेस से जुड़े और भारतीय जनता पार्टी का जो अभिमान है सत्ता में बने रहने का उसको तोड़े। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से हरीश रावत ने चुनावी कमान या कहिए कि चुनावी मोड उनके द्वारा कहिए कि ऑन किया गया है, इससे पहले कई महीनों से यह देखा जा रहा था कि कांग्रेस एकजुट होते हुए नहीं दिखाई दे रही है या साफ तौर पर हरीश रावत खुले तौर पर सामने नहीं आ रहे थे। अब हरीश रावत जो है वो खुले तौर पर सामने आ रहे हैं, सभी चुनावी रणनीतियां उनके द्वारा की जा रही है और चुनावी अभियान की जो शुरुआत एक तरीके से वो हरीश रावत ने की है। पदयात्रा भी विशाखा निकाले जा रही है कांग्रेस की तरफ से, कितना प्रभाव आप देख रही है उत्तराखंड में पदयात्रा का? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए तमाम जो चुनावी अभियान है, चुनावी रणनीतियां हैं वो उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो, आम आदमी पार्टी की तरफ से। जिस तरह से अभी आम अपनी पार्टी संपर्क यात्रा निकाल रही है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो घर घर अभियान चलाकर महान संपर्क अभियान चला रही है, ठीक वैसे ही जो कांग्रेस है वो अब कहिए कि पदयात्रा निकाल रही है और सभी जिलों में जो जनता तक पहुंचने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, तमाम जो मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं, बेरोजगारी और महंगाई वो मुद्दा है जिस पर हमेशा से कांग्रेस राज्य सरकार को भारतीय जनता पार्टी को घेरती रही है और इन दो मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है इस पदयात्रा के माध्यम से। तो जाहिर तौर पर जो असर है वो एक विपक्षी पार्टी का जो होना चाहिए राज्य में वो हो रहा है, माहौल को जिस तरह से कांग्रेस तैयार कर रही है आने वाले चुनाव को लेकर वो कांग्रेस की तरफ से तैयार किया था। ठीक है विशाखा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। आगे रुख करते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लोग प्रिय पर्व इगास के अवसर पर अवकाश की घोषणा कर दी है। हरिद्वार में एक कार्यक्रम में सीएम ने इसकी घोषणा की, हालांकि इस दिन रविवार है लेकिन सीएम धामी की घोषणा से भविष्य में इगास के अवकाश रहने का रास्ता खुल गया है। सीएम ने गढ़वाली में अपने ट्वीट के जरिए छुट्टी के फैसले की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि हमारी नई पीढ़ी भी हमारे पारंपरिक त्योहार से जुड़ी रहे। दूसरी तरफ सीएम के फैसले का विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए इसे सराहनीय पहल बताया है। सीएम धामी की तरफ से ट्वीट किया गया, गढ़वाली भाषा में ट्वीट करके उन्होंने उत्तराखंड वासियों को ये बड़ी और खुशखबरी दी है कि इगास के अवसर पर उत्तराखंड के लोग पर्व के मौके पर अवकाश रहा करेगा। हालांकि इस बार रविवार है, इस फैसले से भविष्य में अवकाश रहने का रास्ता खुल गया है। आगे रुख करते हैं, बड़ी जानकारी है उत्तराखंड में चुनाव से पहले चुनावी हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस और बीजेपी पर वार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में आ गई है और अब कांग्रेस और बीजेपी पर वार कर रही है। कर्नल कोठियाल की तरफ से कहा गया है कि राज्य विरोधी दल है कांग्रेस और बीजेपी, उत्तराखंड वासियों को लुभाने में लगी है आम आदमी पार्टी। दरअसल आम आदमी पार्टी तमाम घोषणाओं के जरिए उत्तराखंड वासियों को लुभाने का काम कर रही है, लेकिन
जिस तरीके से पहली बार उत्तराखंड की राजनीति में कदम रखा है और इतिहास उत्तराखंड का रहा है, सत्ता बदल जाती है हर 5 साल में, देखना होगा 2022 में क्या कुछ रहता है। फिलहाल मेरे संवाददाता संचित शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर। संचित, आम आदमी पार्टी जो लगातार एक्टिव मोड में है और एक बार फिर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर वार कर रही है, किस तरीके से उत्तराखंड में राजनीतिक उठापटक चल रही है? देखिए सोनिका, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में पहली बार 70 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ने जा रही है और तमाम बड़े वादे और दावे इस वक्त उन्होंने उत्तराखंड के अंदर जनता के बीच में जाकर के किए हैं। देखिए जिस तरीके से रोजगार गारंटी कार्ड की बात करें, मुफ्त बिजली की बात करें, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, फ्री शिक्षा की बात करें, आधुनिक शिक्षा की बात करें, तो ऐसे बड़े मुद्दे उन्होंने उठाए हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा है छप्पन आम आदमी पार्टी की सरकार अगर उत्तराखंड के अंदर बनती है तो निश्चित तौर पे उत्तराखंड के अंदर जो विकास है वो होगा और जो कमियां आज तक जो दोनों पार्टी द्वारा रह गई है, चाहे पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, वो दोनों ही पार्टी के बीच जाकर के वो काम करेंगे और अच्छा बेहतर काम करके उत्तराखंड की जनता के बीच में जो दावे वादे हुए हैं उन्हें पूरा करेंगे। लेकिन अगर बात देखिए फिलहाल की करें, जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक ऐलान किया था चुनाव लोगों का रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ देखने को मिला था, बहुत तेजी से लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ने लगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया और सारी पार्टियां अलग अलग तरीके से अपने अपने जो घोषणा पत्र की अगर बात करें या अनौपचारिक घोषणाएं जो कर रही है उन उसकी बात करें तो आप देखिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लोगों का जो रुख है वो मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि उत्तराखंड में आज तक जो पार्टी उत्तराखंड के अंदर रही वो नेशनल पार्टी ही यहाँ पर सत्ता में काबिज हो पाई है और वो दोनों ही पार्टी चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी, और जो स्थानीय पार्टी की बात करें यहाँ पर जो जिसका एक बड़ा अहम रोल रहा उत्तराखंड को बनाने में तो उत्तराखंड क्रांति दल, आप देखिए कि उत्तराखंड की जनता ने उस पार्टी को ही नकार दिया है तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी जमीन उत्तराखंड के अंदर बनाएगी वो बड़ा मुद्दा है। और साथ ही साथ अगर आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुख करते हैं हल्द्वानी में, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड प्रदेश की सह प्रभारी रेखा वर्मा और बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी पहुंची, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शिरकत करते हुए महिलाओं के सम्मान को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिला सशक्तिकरण से लेकर महिलाओं के सम्मान में सबसे आगे रही है, चाहे सरकार में भागीदारी हो या फिर जहां जहां बीजेपी की सरकार हो वहां महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं को विशेष तवज्जो दी जाएगी। देखिए महिलाओं का जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनका रुझान मुझे लगता है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही रहा है और 57 सीटें भी अगर भारतीय जनता पार्टी की आई थी तो महिलाओं की बदौलत ही आई थी और तब से आज तक चाहे वो उज्ज्वला की बात हो, आवास की बात हो, आयुष्मान की बात हो और घस्यारी योजना की बात हो, हर योजना को अगर बनाया गया है को महिलाओं को केंद्र में रख के बनाया गया है तो निश्चित ही इन सारे कार्यों का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और एक बार फिर 60 के पार का जो हमारा नारा है उसको पूरा करते हुए हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। देखिए तेल के दाम के लिए आप सुन रहे थे कि बहुत हल्ला हो रहा था और वास्तविक तौर पे एक आम आदमी के लिए तेल के दाम बढ़े भी थे तो आपने देखा कि मोदी जी ने केंद्र से राहत दी और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने यहाँ पर राहत दी तो निश्चित ही इस कदम का भी हमारी महिलाओं ने उसको सराहा है। और आज जो यहाँ पर मातृशक्ति थी ये आपको बता रही है कि प्रदेश के विकास के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का समर्पण है, हमारी सरकार का समर्थन है और खासकर महिलाओं के प्रति, उसका रिजल्ट आप आने वाले चुनाव में जरूर देखेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी ने स्पष्ट किया है कि इस बार युवाओं और महिलाओं को जो टिकट दिया जाएगा पिछली बार से कहीं ज़्यादा संख्या में आप देखेंगे कि युवाओं और महिलाओं का नेतृत्व आगे आएगा। बाकी ये परसेंटेज देना कि इतनों को टिकट दे देंगे उतनों को टिकट दे देंगे, आप देखिए कांग्रेस पार्टी यूपी में कह रही है पर पंजाब में नहीं कह रही है तो ये जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक क्लियर संदेश दिया है कि महिलाओं और युवाओं को आप देखेंगे कि इस बार प्रतिनिधित्व ज़्यादा मिलेगा।
देखिए हमारी कल से एक हर घर भाजपा अभियान शुरू हुआ है। अभी हम नव मतदाता अभियान कर रहे हैं, तो सभी मोर्चों को, सभी प्रकोष्ठों को अलग अलग कार्यक्रम दिए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस समय बूथ स्तर तक एक्टिवेट हो चुका है। और पार्टियां जहां सोई हुई हैं, हमारी पार्टी हर समय एक्टिव रहती है। हमारे लिए तो कहा जाता है कि हम हमेशा चुनाव मोड में रहते हैं, तो हमें जगाने की जरूरत नहीं है। हम एक्टिव हैं, हम हर घर पहुंच रहे हैं और अपनी सरकार की, केंद्र की, प्रदेश की योजनाओं को लेकर हर घर तक पहुँचना ही हमारा लक्ष्य है। देखिए महिला मोर्चा का हमारा कार्यक्रम था और हमारा उत्तराखंड, हमारी महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी को पूरा आशीर्वाद मिलता है। चाहे वो 2017 का चुनाव हो, आपने देखा बढ़ चढ़ के भागीदारी हमारी महिलाओं की रही और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की महिला बनाने में हमारी महिलाओं का बड़ा योगदान रहा। और 2022 का चुनाव आ गया है जो हम अपना लक्ष्य लेके चल रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी भूमिका हमारी महिला निभा रही हैं। और जहाँ तक मुझे मालूम है, बहुत सारी महिलाओं से मैं बात करती हूँ, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात तो सभी विपक्ष के दल करते हैं, लेकिन अगर किसी ने सही तरीके से काम महिलाओं पे किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए सारी महिलाएं उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हैं और वो आगे बढ़ रही हैं। देखिए आप चाहे केंद्र की सरकार देख लीजिए, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ आप भागीदारी उनकी देख लीजिए। केंद्र में भी बहुत अच्छी संख्या में हम लोग हैं और हमारे जो राज्यों में जहाँ पे हमारा चुनाव, हमारी सरकार है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी संख्या हमारी महिलाओं की है और आगे भी हम अपनी महिलाओं को और ज्यादा वो आगे सशक्त हो, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। चलिए इस बुलेटिन में इतना है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़। नमस्कार।